गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अगेन वेलकम टू मयूर एकेडमी। तेबे आमे ओडिया ग्रामर पूर्व क्लास रे पढ़ी वाक्य विषय रे, तेबे आज आमे पढ़िबा पद विन्यास। पद विन्यास कौन किंबा पद विन्यास आमे काहाकु कहिबा? शुद्ध वाक्य गढ़ीबाकु हेले जेउ केतोटी विषय प्रति जत्नशील हेबाकु पड़िथाय ताहाकु पद विन्यास बोली कुहा जाय। तो एक शुद्ध वाक्य जदि आम गढ़ा, एक शुद्ध वाक्य को आम तापाई आमको केतेक विषय उपर जत्नशील होगा पड़ो, जहाद्वारा कि एक शुद्ध वाक्य हो पार। यो शुद्ध वाक्य गढ़ जो प्रोसेसिंग रही आम कौन कह पद विन्यास कहीपर। तेब एक उदाहरण देवाई चाहिए, रामचंद्र रावण को बद्ध करते, रामचंद्र रावण को बद्ध करते। तेबे एठी कर्ता होउजी रामचंद्र। वाक्य रे जदि आमे कर्ता को चिन्हिया पई जाइबा, किए रो प्रश्न कले जे उत्तर टी आसीबो ताहाकु आमे जानि पारिबा कोन ना ताहा होउजी कर्ता। तेबे एठारे करिथिले होउजी क्रिया। वाक्य रो आरंभ रे कर्ता एवं शेष रे क्रिया पद रहे। जेबे वाक्य टी आरंभ हुए तार प्रथम रे रहिथाय कर्ता एवं शेष रे रहिथाय क्रिया। तेबे या होउजी प्रथम पॉइंट की आमे किपरि जानिपर कि पद विन्यास कौन एवं शुद्ध वाक्यटी आमको किपरि गढ़ी पारा ताकि जापर। तेब अन्य एक दुई नंबर आम देखा, अभय गोटे भल चित्र आंकिले, अभय गोटे भल चित्र आंकिले। तेब एठार उभय होउची कर्ता एवं आंकिले होउची क्रिया। अभय कौन कले ना गोटे भल चित्र आंकिले। तेबे एठी चित्र कौन ना तांकर कर्म, चित्र परे जाई आंकिले रहिची। अभय गोटे भल चित्र आंकिले, चित्र परे रहिची आंकिले। तेबे वाक्य रे क्रिया सकर्म कहिथिले, कर्म पदटी क्रिया पूर्वरु रहे। जदि वाक्यटी सकर्मक होइथिबो, क्रिया सकर्मक होइथिबो, तेबे कौन हुए ना कर्म पदटी क्रिया पूर्वरु रहे। जो कर्म तांक रहिला चित्र, आउ क्रियापद रहिला आंकिले, आंकिले पूर्वरु रहिला चित्र, तेबे जाई एहा को पद विन्यास रो अन्य एक रूप आमे जानि पारले। तेबे अन्य एक उदाहरण देखिबा, गुरु शिष्य मानकु उपदेश देले, गुरु शिष्य मानकु उपदेश देले। गुरु हेउछि अठारे कर्ता, गुरु हेउछन्ति कर्ता, देले हेउछि क्रिया। तेबे जो मझीरे दुई गोटी पद रहीगला शिष्य मानकु, आउ गोटे रहिला उपदेश। तेबे आमे जानु वाक्य रे गोटे कर्म थाए, किंतु वाक्य रे दुई गोटी मध्य कर्म रही थाए जहाकु द्विकर्मक द्विकर्मक बोली मध्य कुहा जाए। तेबे एठारे आमे देखिबा गुरु जो कर्म कले, गुरु कौन देले ना उपदेश देले, काहाकु देले ना शिष्य मानकु देले। एठारे शिष्य मानकु हेउछि गौण कर्म एवं उपदेश हेउछि मुख्य कर्म। काहेकि ना गुरुंकर प्रथम कर्म हेला उपदेश दबा, द्वितीय रे काहाकु दबा ना शिष्य मानकु दबा, किंतु एठारे गौण कर्म प्रथम रे रहिबो एवं मुख्य कर्म गौण कर्म परे रहिबो। वाक्य रे कर्म पदटी द्विकर्मक होइथिले, प्रथमे गौण कर्म एवं तापर मुख्य कर्म रही थाए। तेबे वाक्य रे कौन आम बुझीपरलु कि वाक्य जदि दुईट कर्म थी तेबे प्रथम रही गौण कर्म एवं द्वितीय रही मुख्य कर्म। तापर आम देखा अन्य एक उदाहरण कि आम केमी पद जो आम विन्यास करुचु तार अन्य एक प्रकार आम देखिपर कौन कि उदाहरण स्वरूप, हे प्रभु मते रक्षा कर। हे प्रभु यह हूँ संबोधन संबोधन पद, एठा संबोधन कर प्रभु को कहुई। तेबे आम जानवा ये संबोधन पद कौटी बसे, वाक्य संबोधन पद आरंभ रे बसी थाए किंबा शेष रे बसी थाए। तेबे मु एठी एक उदाहरण देली कौन, हे प्रभु मते रक्षा कर। हे प्रभु ये संबोधन पदटी प्रथम रही, तेणु यह वाक्य आरंभ रही। तेबे आमे जानिले कि संबोधन पद सबुबेले वाक्य आरंभ रही थाए।
तापर आम देखा वाक्य शेष संबोधन पद रही था वाक्यर आरंभ शेष संबोधन पद रही था तेरे अनेक उदाहरण स्वरूप मत शक्ति दियो प्रभु मत शक्ति दियो प्रभु एठार प्रभु संबोधन पद अच्छे रही अच्छे तेरे वाक्यर शेष संबोधन पदर व्यवहार कर तेणु आम जापरलु कि वाक्यर आरंभ शेष संबोधन पद रही था तेरे अनेक उदाहरण देखा पद विन्यास चतुर लोक सबुठ जीतती चतुर लोक सबुठ जीतती तेरे प्रथम देखी ना कर्ता कौटी अच्छी ना लोक लोक होता जीतती हूँ क्रिया लोक पूर्वर लगे एठार चतुर लोक पूर्वर लगे कौन चतुर तेरे चतुर हूँ विशेषण एक विशेषण पद जहाँकि कर्तार पूर्वर लगी था विशेषण पदटी कर्तार पूर्वर व्यवहार होता है यह कर्तार मूल्य को बढ़ाई थाए तार गुण को बताई थाए कि कर्तार गुण कौन रही कर्तार गुण को जी प्रदर्शित करे ताहा को विशेषण बोली कहा जाए वाक्यर वाक्य विशेषण पद विशेष पद पूर्वर बसे जो विशेष पदटी विशेष पद पूर्वर बसे बोली मुझे कहली एवं यह कौन करे ना विशेषर गुण को बढ़ाई थाए बुझाई थाए तेबे तापर आम अन्य एक उदाहरण देखा जमीदार पुओ सुरेन्द्र ए मंदिर तोली जमीदार पुओ सुरेन्द्र ए मंदिर तोली तो तेबे आम एठारे देखा कर्ता किए मंदिर किए तोली ना सुरेन्द्र एठारे सुरेन्द्र होती कर्ता कौन करिसंती ना तोली मंदिर तोली होची क्रिया तो तेबे आम एठारे देखा संबंध पद आउ संबंधित पद कौटी रही अच्छे जमीदार जमीदार सुरेन्द्र संबंध रही तेणु जमीदार होची संबंध पद एवं कहा सहित संबंधित होची जमीदार पदटी ना सुरेन्द्र सहित तेणु सुरेन्द्र होची संबंधित पद तेबे एठारे आमे जानिलु प्रथमे संबंध पद रही थाए तापर जाए तेबे आमे कौन जानिलु ना वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे वाक्य रे जो संबंध पद थाए कौन केउठी बसे ना संबंधित पद पूर्वरु बसी थाए तेबे एठारे आमे ठीक भाबरे बुझी पारथियो समस्ते कि जमीदार पुओ सुरेन्द्र ए मंदिर तोली किपरि दुईटी एठारे गोटे कर्ता रही सुरेन्द्र जहाँकि संबंधित कहा सहित ना जमीदार सहित जमीदार द्वारा ही से कर्ता बोली जना पड़ुछि तांकर संबंध रही तेबे आमे जानिलु संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे तापर आमे देखिबा अन्य एक उदाहरण सकाळे काम आरंभ हेबो वाक्यटी हेउछि सकाळे काम आरंभ हेबो तो एठारे आमे क्रिया देखिलु कोण ना हेबो एवं एठी कर्ता बदल रे कोण रहिछि ना अधिकरण कारक ते प्रथमे आमे जानिबा ए जो अधिकरण कारकटी कोण क्रिया रे समय वो स्थान बुझाउथिले ताहाकु अधिकरण कारक बोली कुहा जाए तेबे क्रिया जो रहिछि सेटा क्रिया रे जो समय किंबा स्थान को जोग करा जाइथिबो बुझाउथिबो ताहाकु जाई आमे अधिकरण कारक बोली कहि परिबा तेबे एठारे सकाळे रहिछि सकाळे कोण एक समय अटे जहाकु कि आमे अधिकरण कारक बोली कहि परिबा तेबे ए अधिकरण कारकटी कोंठु रहे ए जो अधिकरण कारक विषय रे मु कहिली अधिकरण कारकटी वाक्यर आरंभ रे रहिथाय वाक्यर आरंभ रे ही आमे अधिकरण कारक को जोग करि परिबा जहाद्वारा कि वाक्यटी सुमधुर मध्य सुना जीव श्रुति मधुर होइ परिबो तो तेबे समस्त मु पद विन्यास विषय रे सातगोटी पॉइंट कहि गली सातटी तो विभिन्न प्रकार पद विन्यास को आमे कहा को पद विन्यास कहिबा ता सहित ए जो गोटे गोटे पद को किपरि पद मान को भाग करी कोंठारे विशेष पद विशेषण केमिति रहिबो ता विषय रे कहिली समस्ते बुझी पारिथिबे
तो नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य एक विषय उपर पढ़ा यार सात गोटी मुझे पढ़ेली आउतापर आउ कि रही तार कि पॉइंट पदविन्यास विषय आम पढ़ा तो समस्त को मोर धन्यवाद।